वस्तु स्वभाव को देखा जाए तो वस्तु तो जो की जो
कांचन सुख, उसके अंदर में कुछ करने का कोई प्रश्न ही नहीं। मन आत्मा की अनुभूति करनी है, ये आत्मा को कलंक है, ये अपराध है आत्मा को, क्योंकि इस परिणाम के अंदर में आत्मा की प्रकटता का आस होता है। और जो वस्तु बिल्कुल हजर आयु है, बिल्कुल विद्यमान, बिल्कुल प्रकट है, उसमें क्या करना है? कुछ आने जाने की व्यवस्था जिसमें रात दिन है तो त्रिकाल भी है, और ज्ञान स्वभावी वस्तु है तो त्रिकाल ज्ञान स्वभावी वस्तु है, और मैं आत्मा हूं तो सदा प्रकट है, आत्मा हूं तो सदा प्रकट है, ज्ञान स्वभावी सदा प्रकट है, रात स्थय दिन है, तो क्या करना है, कहां करना है, कैसे करना है? कोई विधान ही नहीं। अब जो विधान नहीं है उस विधान की ओर कल्पना करना है। शास्त्र स्वाध्याय करके, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके, उस स्वरूप से भ्रष्ट हो
और उसका विश्वास हो, श्रद्धा न हो, तो उसी का नाम तादात्म्य होता है। यहाँ पे प्रयत्न, एफर्ट्स, मेहनत, उत्साह ये सब समझाने के लिए है, समझने के लिए नहीं। कुछ करने की आदत पड़ी है तो कहता है कि यहाँ पे उत्साह कर, उपयोग को यहाँ पे लगा, ये सब समझाने वाली बात है। उपयोग स्वभाव में लगे ही नहीं सकता यदि मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं। बात निर्णय की है, बात निश्चय की है, बात समझ की है। मैं परमात्मा हूं ऐसी समझ हो, ऐसा निर्णय हो और दृष्टि द्रव्य में तादात्म्य हो गई। जहां दृष्टि द्रव्य में तादात्म्य होने को ज्ञान प्रमाण हो जाता है। हो जाने वाली व्यवस्था, दृष्टि भी होने वाली व्यवस्था और ज्ञान प्रमाण भी होने वाली व्यवस्था। आपका कर्तव्य तो सिर्फ इतना है कि मैं परमात्मा, मैं बना बनाया भगवान हूं, प्रत्यय प्रत्यय भगवान हूं, बस इतना विश्वास, इतना निर्णय। विश्वास वस्तु तो है, बना बनाया भगवान है, आत्मनिर्भर प्रति मुझे विश्वास चाहिए कि मैं जिंदगी को, मैं चैतन्य भी को, आनंद आनंद भी को, ऐसा विश्वास चाहिए। विश्वास होने से दृष्टि द्रव्य में तादात्म्य होती है और ज्ञान प्रमाण होता है। एक समय जिस समय दृष्टि द्रव्य में तादात्म्य हो उसी समय ज्ञान प्रमाण हो। दोनों के लिए अलग अलग समय नहीं चाहिए। समय एक दृष्टि का द्रव्य में तादात्म्य होना और ज्ञान का प्रमाण होना एक समय का होना। सभी जीव गुरुदेव जी को पाकर, सोहन जी को पाकर मैं आप परिणामी परमात्मा हूं इस बात का बुद्धिपूर्वक तो स्वीकार करते हैं, लेकिन बुद्धि से काम नहीं चलता। क्योंकि अंतराल प्रवेश के लिए बुद्धि का कोई काम नहीं। धारणा सही हो, मान्यता सही हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन काम उससे नहीं बनेगा। काम बनेगा अस्तित्व ग्रहण से, काम बनेगा विश्वास से, काम बनेगा मैं उपयोगवान हूं ऐसी दृष्टि से। बहुत सरल पंथ है, सरल पंथ जगत को कठिन लगता है। उसका कारण यह है कि वो कहता कुछ है और मानता कुछ है। लेकिन यहाँ पे दो तरह की नीति चल रही है। आप जिन मंदिर से बाहर निकलो तो आपको सब भगवान दिखने चाहिए, रास्ते पे चलो तो भगवान दिखने चाहिए, घर पे पहुंचो तो भगवान दिखने, ऑफिस पहुंचो तो भगवान। यदि यह कंटिन्यूटी रही आप तो पर्याय के अपना तो हो ही नहीं सकता और द्रव्य में दृष्टि जमे बिना रह नहीं सकती। लेकिन बाहर निकलकर कैम छो ये बात यदि आ गई तो समझ लेना कि आप जीव मंदिर गए। आपने गुरुदेव की वाणी सुनी थी, जिनेंद्र के दर्शन किए थे, दृष्टि स्वभाव से
जब नहीं चलती है तब दुनिया सारी चलती है, और जब ये बात चलती है तो सुधार वाली दुनिया चलती है। सरल मार्ग इस दृष्टिकोण से सरल है, और इस दृष्टिकोण से न देखा जाए तो कठिन तक हमारी काल बीत गया, उसका कारण यह है कि अपन अपने आप को ऐसा मना लेते हैं कि जीव मंदिर में हिंदुओं के पास भगवान के पास के बाद सब प्रतिशत से, लेकिन संसार के अंदर तो संसार की बात होनी चाहिए, व्यवहार की बात होनी चाहिए, कहना कुछ करना कुछ बोलना कुछ मानना कुछ, विद्वत्ता जिन मंदिर का दिखाना और बाहर का व्यवहार का पैसा भर का भी दिखाना ना हो, तो ये बात साथ में चलने वाली है। आप किसी के साथ कुछ भी कर लो लेकिन अपने आप को क्या जाओ, अपने आप को पता चलता है अपना रस कहाँ पर, अपनी रुचि कहाँ पर, मार्ग रुचि का है, मार्ग प्रीति का है, स्वभाव की प्रीति हो और स्वभाव जवाब न दे ऐसा हो नहीं सकता, स्वभाव की रुचि हो और दृष्टि बदले में तादाद न हो ऐसा हो नहीं सकता। अपने हृदय में दृष्टि का तादाद होते ही ज्ञान प्रमाण हो जाता है, ऐसे प्रमाण हुआ ज्ञान सभी बातें जान लेता, अपनी आंशिक शुद्धि अशुद्धि और इनके निमित्त आदि सभी को प्रमाण नहीं जान लेता, जो करते हो जिस वस्तु स्थिति है ऐसा हो जान लेता हो प्रमाण ज्ञान का स्वभाव। परिणाम के ऊपर में नहीं जाए, ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं जिसको ये प्रश्न उठता है कि अभी तक हमारा ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं हुआ, उनका कारण यह है कि द्रव्य में दृष्टि तादात्म्य नहीं है। द्रव्य में दृष्टि तादात्म्य कब हो, मैं द्रव्य हूं ऐसा विश्वास है, ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ दृष्टि द्रव्य में तादात्म्य नहीं हुई के बाद समझ लेना कि मैं द्रव्य हूं ऐसा माना नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं परमात्मा हूं ऐसा माना ही नहीं। जगत के किसी भी मशीन के अंदर में अब जो मटेरियल डालो उसी का प्रोडक्ट निकलता है, मैं परमात्मा हूं मैं सामानों और समय का सरना नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ज्ञान प्रमाण न हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं करोड़ों शास्त्र पढ़ो तो भी मात्र मन का बोझा है, शास्त्र में पढ़े तो क्या पढ़ने का मतलब होता है, पढ़ना नहीं पढ़ने का मतलब होता है, पर पढ़ने का मतलब होता है स्वभाव के अंदर में शुद्ध सीधा स्वागत
शास्त्र पढ़ने का विधान है, शास्त्र को पूरा नहीं करना, शास्त्र के एक वाक्य को आत्मसात, और शास्त्र को आत्मसात करें और उन्हें द्रव्यों के बाद उसमें से ना निकले ऐसा होने से करोड़ों शास्त्र पढ़ो तो भी मात्र मन का हो जाए अमला उपा भड़ास है भार है। कहने का मतलब यह नहीं कि शास्त्र मत पढ़ना, कहने का मतलब यह है कि शास्त्र इस तरह से पढ़ना कि वस्तु स्वभाव तक पहुंचाए, और सारे शास्त्रों में से एक सार निकालना है सुधात्मा मात्र वस्तु में। यदि ये बात निकल आई किसी भी शास्त्र के किसी भी पंक्ति में तो ये पढ़ना सही है, यदि ये बात नहीं निकली तो ये बोझा तो फिर शास्त्र शस्त्र बनते हैं। जो अनाधिकार से जिनके साथ हुआ उल्लास में उल्लास आ जाए वह योगी है, राग होना वह इतना अपराध नहीं है जितना कि राग का राग होना। राग तो भूमिराज की भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन राग का राग नहीं होता, ममत्व नहीं होता, एकत्व नहीं हो पाता, क्योंकि राग का राग अनंत अनुबंधी का विषय है। जीव की परिस्थिति ही यह नहीं है कि स्वभाव का उल्लास यदि आ जाए एक बार परिपूर्ण वस्तु अद्भुत वस्तु अलौकिक वस्तु प्रत्येक प्रत्यय वस्तु असाधस भरे वस्तु परमात्मा तत्व ज्ञान उसकी महिमा एक बार है, उसका उल्लास एक बार है, तो परिणाम तो यूं स्वभाव के अंदर डूबते जाए। मुनिराज को अनुभूति के लिए कितनी मेहनत करनी है, बुद्ध सुन के तो देखो मुनिराज तो लिखते लिखते उन्हें एक शब्द लिखा दूसरा शब्द लिखा उसके बीच में अनुभूति बोलते बोलते अनुभूति कितनी सरल हो गई। तुझे कठिन हो पड़े उसका कारण पूछा, हम तो जानते हैं कि अनुभूति सरल हो जाए, जिनेन्द्र भगवान तो हमारा कठिन हो ही नहीं सकता। परिणाम की मर्यादा देते रहने से अपरिणाम का जोर छूट जाए, परिणाम ऐसे होने चाहिए, परिणाम इतने कोमल होने चाहिए, परिणाम इतने सरल होने चाहिए, परिणाम के अंदर का भक्ति पूजा दर्शन स्वाध्याय होना चाहिए। यह सत्य है तो परिणाम की मर्यादा देते हैं, और जो परिणाम की मर्यादा देते रहता है से अपरिणाम का जोर आता ही नहीं, जिसको अपरिणाम का जोर आए उनको परिणाम में मर्यादा में रखने का प्रयत्न करना पड़े ना भूतों परिणाम को मर्यादा में रखने के प्रयत्न में अपरिणाम का जोर नहीं आ सकता, और अपरिणाम के जोर में परिणाम को मर्यादा में रखने की जरूरत सीधा मैथमेटिक्स है, सीधा गणित है। यदि आपको अपरिणामी का जोर आया परिणाम कहाँ जाएगा, उसको मर्यादा में लाने के लिए कितना प्रयत्न करना, कुछ भी नहीं।
दूसरी और परिणाम को मर्यादा में रखने का प्रयत्न यानी ही आनंद करता है। सुमनी जी कदम
प्रत्येक बोल पे अपरिणामी अपरिणामी परिणाम पर परिणाम का जोर छूटा क्यों कहता है तो वस्तु की व्यवस्था इसलिए मैं हमेशा कहा दृष्टि प्रकाश माने समय सार का समय सार नियम सार का नियम सार वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर क्योंकि परिणाम में बैठकर परिणाम की चर्चा करना ये बुद्धिमान का काम है वो आत्मा देव शास्त्र गुरु के समीप रह जाए तो कल्याण हो जाए ऐसा कुछ भ्रांति से लोग बाहर आए ऐसे दिन भी बीत जाए कि 24 घंटा में 24 घंटा रवेली की मुनि बना के अंदर में जिले में भगवान के सारी में ओम मुनि को सुनते हुए आत्मा का चिंतन मनन करते हुए करोड़ों शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए चले कोई आपत्ति नहीं वचन नहीं होना
मेंटेन करने से तो मैंने कोई दिन में दो चार पाँच घंटा चिंतन मन करता हूँ, मेंटेन करता हूँ और रोजाना करता हूँ और लगातार करता हूँ और फिर भी स्वभाव के आसपास नहीं आता, स्वभाव का भाव असर नहीं होता, उसका कारण उसका हेतु नेक है,
असल में बात इतनी सी है कि इधर में जम जाना चाहिए, इतनी सी बात असल में बात इतनी सी है कि इधर में यानी कि अंतर में जम जाना चाहिए, त्रिकाली अस्तित्व में पसर जाना चाहिए। पसरे कैसे? अतिंद्रिय ज्ञान से पसरा जाता है क्योंकि वस्तु अतिंद्रिय स्वभाव है, तो अतिंद्रिय स्वभाव के अंदर में अतिंद्रिय ज्ञान के माध्यम से पसरा। इतनी सी ही है, इससे ज्यादा बात की इधर में चल जाना चाहिए, भीम हो जाना चाहिए। इससे आगे और कोई बात नहीं, कोई शास्त्र का अभ्यास, कोई शास्त्र का विस्तार, बुद्धि का पहनापन, धारणा के अंदर में सारी बातें, ये सब तभी सार्थक होती है जब वो इतनी सी बात क्या है इधर में जन्म। शास्त्र की अपेक्षा से, चर्चा की अपेक्षा से, पढ़ने की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से,
विकल्प की अपेक्षा से, चिंतन की अपेक्षा से होगा। एक दृष्टि
इसके आगे तो चर्चा ही नहीं, द्रव्य की दृष्टि नहीं। सभी के प्रति